बच्चों देखते हैं आगे क्लास 10th का द इंसेंटेड फूल में जो है आगे देखते हैं क्या है। जहां से छोड़े थे सेकंड वीडियो में व्हाट डिफरेंस अ ट्रेवलर, यात्रा में मनुष्य का साथी कौन होता है। धर्मराज स्थिर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछ कौन रहा है आपको पता ही है, पहले वीडियो मैंने चर्चा कर दिया था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मृत्यु के देवता, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमा जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि यात्रा में साथी मनुष्य का कौन होता है। उत्तर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, लोणी होता है, अध्ययन होता है। हु इज द फ्रेंड वन हु स्टे एट होम, वो कौन होता है जो घर पर साथी होता है मनुष्य का, मानव का। हु इज फ्रेंड, कौन मित्र होता है, हु स्टे एट होम, जब घर पर रुकते हैं तब। उत्तर आता है, आंसर आता है धर्मराज युधिष्ठिर का कि वाइफ, पत्नी होती है ना। हु कंपनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के साथ आदमी के साथ, आदमी के साथ क्या जाता है। ए कंपनीज गो विद, ए कंपनीज गो विद, डेड होने के पश्चात क्या जाता है। यदि मनुष्य डेड होता है, मानव डेड होता है, तो उसके साथ क्या जाता है। उत्तर आता है धर्म, सिर्फ धर्म जाता है, धर्म। लेकिन देखो स्वशरीर पहुंचे हुए थे कौन, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के झंडे थे वो, धर्म का पताका थी पांडवों में वो, सबके सभी अपने देह को त्याग दिए थे धरती पर, तब गए थे स्वर्ग। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर स्वशरीर अपने शरीर के साथ वहां पहुंचे हुए थे। That alone accompanies in the soul solitary journey after death. मृत्यु के पश्चात यही इकलौता होता है, सोलिट्री होती है, इकलौता होता है जो जर्नी यात्रा करते हैं मनुष्य के साथ। डेथ होने के पश्चात यही अकेला होता है जो मनुष्य के साथ जाता है, क्या होता है वो अकेला, धर्म होता है। Which is the biggest vessel, सबसे बड़ा पात्र क्या होता है, सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है दुनिया में। धर्मराज युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उत्तर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, द अर्थ, पृथ्वी होती है। विच कंटेन्स लिखा गया है, विच कंटेन्स जो समाहित करती है, जो प्रोसेसेस करती, पी डबल एस ई डबल एस रखती है, समाहित करती है विद इन इटसेल्फ, अपने में सब कुछ। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र होता है। हाँ, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या होता है, प्रसन्नता क्या होता है, जिससे आपका हर्ट्स फीलिंग गुड करें, बहुत अच्छी प्रसन्नता क्या होती है। उत्तर आता है हैप्पीनेस इज रिजल्ट ऑफ गुड करना, अच्छा व्यवहार ही सच्ची प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। कंडक्ट ए सी टी, कंडक्ट ए सी टी एक्ट, हाँ व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है, बाय गिविंग अप, छोड़ देने पर, त्याग देने पर, है ना, लीव कर देने पर, छोड़ देने पर, अबंडन कर देने पर, फॉरसेक कर देने पर, मैन बिकम लव्ड, भैया मनुष्य सबके लिए प्रेममय हो जाता है, मनुष्य से प्रेम करने लगते हैं, सबके लिए प्रेमी हो जाता है, सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, सब उसके आचरण को, उसकी क्रियाकलाप को एक्सेप्ट करते हैं। प्राइड, वो क्या होता है, गर्व होता है। फॉर मैन गिव्स अप, ये मनुष्य इसको छोड़ देता है प्राउड को, गर्व को, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, सबके लिए प्रेम में हो जाता है, सब उसको प्रेम करने लगते हैं, है ना। विच इज द लॉस इट्स जॉय नॉट फॉर सॉरो, लिखा गया है इट्स मींस होता है टू गिव, दे देना। वो क्या चीज होती है जिसको छोड़ देने पर मनुष्य को क्या होता है, खुशियां मिलती हैं, ना कि दर्द मिलता है, सॉरो मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, कष्ट मिलता है ना। एंगर, वो क्या होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होती है, और कुछ नहीं होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होती है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को छोड़ देते हैं, क्रोध को छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर आप सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुख नहीं झेलना पड़ता है, कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, परेशानियां नहीं झेलना पड़ता है ना बच्चों।
चारों नहीं मिलता है, दर्द नहीं मिलता है. व्हाट इज दैट, वो क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर उससे पूछते वो क्या है. बाई गिविंग अप, इसको छोड़ देने पर, विच मैन बिकम रिच, जिससे मनुष्य धनाढ्य हो जाता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है, लबालब हो जाता है. तो लिखा गया है, उत्तर आता है डिजायर, इच्छा, लालच, बहुत अधिक रखने, धन को रखने की लालच, ये जो होता है इसको छोड़ देने पर, इफ मैन गिव्स बीइंग अपग्रेडी, यदि लालच को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, ही विल बिकम वेल्दी, बहुत धनवान हो जाता है, धन ही धन उसके पास हो जाता है. यदि लालच को छोड़ दे तो वो धनवान है ना. व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ब्राह्मण कौन होता है, वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है, सही में ब्राह्मण कौन होता है, इस बात क्या पैदा होना, घर में पैदा हो जाओ किसी के ब्राह्मण के यहाँ, वो ब्राह्मण कहलाता है, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, वो ब्राह्मण कहलाता है, और लर्निंग या बहुत अधिक पढ़ लिख लिया, वो ब्राह्मण कहलाता है. आंसर डिस्क्राइबली, आंसर बहुत ही निश्चितता के क्रम में दे दीजिए, सर्टिनिटी के रूप में दीजिए, अस्पष्ट दीजिए. तो क्या होता है, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म लेना एंड लर्निंग, और अध्ययन कर लेना, जन्म लेना और अध्ययन कर लेना, डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, वास्तव में ये एक ब्राह्मण कहलाने वाला नहीं होता है कि किसी के घर में जाके जन्म ले लो, भगवान ब्राह्मण के यहां पैदा कर दिए, है ना, ईश्वर ने ब्राह्मण के घर में पैदा कर दिया, या आप ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए और आपने बहुत सारा अध्ययन कर लिया, ये नहीं होता है. तो क्या होता है, सुनिए, गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल एक अच्छा सा व्यवहार हो हमारी आपकी कंटेक्ट में, संबंध में जो बातें होती हैं ये सही बातें हो, सदाचरण हो, अच्छा व्यवहार हो, बातें करने का ढंग सही, वो ब्राह्मण कहलाता है यार. गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, वो ब्राह्मण कहलाता है. एलोन, यही एक ब्राह्मण जिसको कहलाना है, अच्छा व्यवहार करो, वो ब्राह्मण कहलाता है. ठीक, हाउएवर लर्न्ड ए पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ब्राह्मण. एक आदमी चाहे जितना भी अध्ययन कर ले, लर्न हो जाए, योग्य हो जाए, स्किल हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, ब्राह्मण नहीं कहलाता है, वो ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल नहीं. विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है, बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा ब्राह्मण कहलाना है. ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तब ब्राह्मण नहीं होते हो, बहुत पढ़ लिख लिए तब ब्राह्मण नहीं हो, यहां तक कि आगे लाइन में क्या दे रहा है देखते हैं. इवन दो में भी लर्न फॉर वेदास, चाहे वो चार वेद को क्यों ना ही ग्रहण कर लिया हो, चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ही ना हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, क्यों ना धारण कर लिया हो, वो ब्राह्मण. आगे क्या लिखा है, ए मैन बैड कंडक्ट्स फॉल टू लोअर क्लास, एक मनुष्य जो है उसका बुरा क्रियाकलाप, व्यवहार ही उसको निचली श्रेणी में गिनाता है. हाँ, यही बात है, यही उत्तर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने, मृत्यु के देवता गॉड ऑफ डेथ को, मृत्यु के देवता को गॉड ऑफ डेथ को, यही उत्तर दिया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कुछ से पूछता है. एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट्स यमा किंगडम, प्रत्येक दिन देखा जाता है मनुष्य के यमा के किंगडम में, यमा के राज्य में आता जाता रहता है, क्रिएचर्स में प्राणी कम एंड गो, आदान प्रदान उसका होता रहता है, तभी क्या, तभी एंड येट हु दोस रिमेन वांट्स टू लिव हियर, और तभी जो लोग देखते रहते हैं, हाँ, जीने की इच्छा रखते हैं, जीने की अभिलाषा रखते हैं, जीना चाहते हैं, दिस ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो सत्य होता है, सबसे बड़ा आश्चर्य होता है बच्चों, यही सबसे बड़ा आश्चर्य. दस इस प्रकार द एक्सेप्ट पुट मेनी क्वेश्चंस इन हिस्ट्री एंड सो ऑल,
इस प्रकार युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और युधिष्ठिर उन सारे प्रश्नों को उत्तर बहुत ही निर्भीकता पूर्वक देता है, मस्ती भरा देता है, बहुत बढ़िया देता है। इन द एंड अंत में क्या होता है, अच्छा अक्ष्ट यक्ष पूछता है, ओ किंग ए राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड, मैं तुम्हारे भाइयों में एक को जीवित कर सकता हूँ, एक को जिला लो, एक को पुनर्जीवन दे दो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको नया जीवन प्रदान करना चाहते हो, किसको नया जीवन देना चाहते हो, टेल मी फास्टली, जल्दी से बताओ। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट थिंक, ये सब सोचने में एक क्षण लगता है युधिष्ठिर, एक क्षण, एक पल लगता है। एंड देन फिस्ट, और तब अभिलाषा व्यक्त कर देता है, तब बोल देता है, क्या बोल देता है कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ण वाले, लोटस आई, कमलवत नयन वाले, रूट चेस्ट, लंबी चौड़ी छाती वाले, एलोंग आर्म्स, लंबी लंबी बाहों वाले, नकुला, नकुला को जीवित करिए महाशय, प्रभु जीवित ही करना है, कमलवत नयन वाले, लंबी छाती वाले, मेघ वर्ण वाले, बड़ी बड़ी बाहों वाले श्रीमान छोटे भाई नकुल जी को जीवित कर दीजिए, नया जीवन दे दो, वो भी मेरा भाई है। धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा सोचते हैं, लाइंग लाइक ए मॉनिटर, जो आप रोज वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, जिसमें पत्तियां नहीं होती है, ऐसे वृक्ष की तरह वो पड़ा हुआ है कि उसमें जान नहीं है। अच्छा पेड़ जो वृक्ष होता है उसकी जान क्या होती है, पत्तियां होती है, पत्तियां सूख जाती है, क्या होता है, पेड़ खराब हो जाता है। उसी प्रकार ये भाई इसके पड़े हुए हैं आप रोज वृक्ष की तरह, ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें जान ही नहीं है। तो करील का वृक्ष होता है, करील वृक्ष देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हो तो देख लो, है ना, उस तरह करील के वृक्ष में पत्तियां नहीं होती हैं। माइट राइज, जो लेटे हुए हैं, द एक्चा वार प्लीस्ड एट दिस, इस बात पर एक बहुत प्रसन्न होता है, एंड और युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहता है, पूछता है, क्या पूछता है, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ऑफ भीमा, भीमा की अपेक्षा भीमा के स्थान पर तुमने नकुल को क्यों चुना, तुमको तो भीम को चुनना था, ए मेरे भक्त, मैं तेरा गुलाम हो गया, तूने मेरे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं गदा गद हो गया, मैं लबा लब हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बट तुम बताओ ये कि तुमने भीम को क्यों नहीं चुना, नकुल को चुन लिया, हाँ? वो है जिस ट्रेन तो 16,000, मैंने सुना है कि 16,000 हाथियों की ताकत उसके अंदर है, 16,000 ताकत, बच्चा था जब, बालक था तब पाताल लोक में वो गया हुआ था, उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया था, तब उसको ये शक्ति प्राप्त हुई थी, हाँ? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा बहुत ही प्यारा भाई है, उससे बहुत प्रेम करते हो धर्मराज युधिष्ठिर जी, एंड वाई नॉट, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, भीम ही तो भीम था, अर्जुन तो अर्जुन है, भीम से भीम अर्जुन है बड़ा, भीम के पास ताकत थी, बहुत खाता था, इसलिए उसके पास ताकत अथाह थी, सभी भाइयों का लेकिन निवाला खा जाता था, ताकत मतलब बहुत अधिक थी, अथाह थी, बट उससे भी अधिक अर्जुन था, अर्जुन को चुनना था तुमको, ऐसा पूछा जा रहा है। वो स्ट्रेंथ आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जो तुम्हारी बाहों को संभालने के लिए, तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए पर्याप्त है, तुम्हें उस अर्जुन को चुनना था, टेल मी, बताओ बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, प्रेफरेंस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन की अपेक्षा, rather than them either these two, उन दोनों की अपेक्षा। युधिष्ठिर replied, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज मॉली शील्ड ऑफ मैन, धर्म जी होता है, वो जो धर्म होता है वही एक सबसे बड़ी ढाल होती है मनुष्य की, मनुष्य की ढाल सबसे बड़ी क्या होती है, धर्म होती है, अच्छा आचरण होता है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी क्रियाकलाप होता है, एक दूसरे से अच्छा वार्तालाप करना ही धर्म होता है, इसलिए धर्म जो है सबसे बड़ा होता है, नॉट भीम और अर्जुन, और इस श्रेणी में भीम और अर्जुन नहीं आते हैं, मैं भीम और अर्जुन को चुन लेता हूं तो ये गलत होगा, धर्म की मर्यादा का मैं हनन करूंगा, इफ धर्म इज गिवन, ये धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइन, मनुष्य बर्बाद हो जाता है,
नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माधुरी वेयर टू विव्स ऑफ माय फादर फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माधुरी, दो पत्नियां थी। पहले राजा जो होते थे ना बच्चों, एक एक राजा तीन तीन शादियां करते थे, मीन्स एक ही शादी में संतुष्ट नहीं होते थे, अधिक शादियां करते थे। कारण होता था पुत्रों का न होना, राजकुमार का न होना, राज्य को न चला पाने के कारण कि राज्य कैसे चलेगा, इसलिए एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं दस करते थे साथ में, है ना। तब ये प्रचलन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल बात हुआ करती थी, तब साधारण बात हुआ करती थी। भगवान कृष्ण को देखो, वो तो भगवान है ना। देखते हैं, इफ धर्म इज गिवन एंड विल बी रुइंड, कुंती एंड माधुरी वेयर टू बीप्स ऑफ माई फादर, आई एम अलिप, उनमें से मैं एक जीवित हूँ। अली मैं आपके सामने स्टैंडिंग हूँ, स्टैंडिंग सिचुएशन में मुझमें जान है। उन दो पत्नियों में एक पत्नी कुंती है, उस कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। शनाब कुंती एंड सो इज कम्प्लीटली बीप, और इस प्रकार वो दुखी हारी नहीं होगी, परेशानी उसको नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, रोएगी नहीं, बिलकेगी नहीं, परेशान नहीं होगी, है ना। इन ऑर्डर इस क्रम में That the scale of justice may be even, है ना, बराबर होगा, even होगा, equal होगा, fair होगा, या fair, या fair होगा, equal होगा, जो न्याय का तराजू है वह समान हो जाएगा, balances हो जाएगा। अर्थात एक कुंती का पुत्र और एक माधुरी का पुत्र, माधुरी का पुत्र नकुल जीवित हो जाएगा इधर, और इधर मैं जीवित हूं। मर्यादा का हनन नहीं होगा, जस्टिफाई रहेगा, सब बराबर रहेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है, आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए आप इनको जीवित करिए। आई आज माधुरी से नकल में भी मैं कहता हूं कि माधुरी माँ जो मेरी है उनके पुत्र को जीवित किया जाए। दक्षावाद मोस्ट प्लीज, यक्ष जो होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है, गदा गदगद हो जाता है, लबा लब हो जाता है, स्नेह से सराबोर हो जाता है उनके क्वेश्चन के आंसर से, विधिष्ठा इम्पॉर्टिटी उनकी निष्पक्षता के कारण, इम्पार्टिनिटी निष्पक्षता के कारण, स्पष्टता के कारण। एंड ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि आपके सभी भाइयों को मैं अब जीवित करता हूं, ग्रैंड करता हूं, प्रदान करता हूं, नया जीवन देता हूं, रिवाइव, सबके सब भाई आपके जीवित होते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हुआ, ले जाओ, है ना। ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड बी कम बैक टू लाइफ, मैं आपके सारे भाइयों को पुनर्जीवित करता हूं, पुनः नया जीवन प्रदान, खुश होता है और सब भाइयों को जीवित कर देता है। इस प्रश्न के उत्तर के कारण, इस इम्पार्टिलिटी क्वेश्चन जो आपका वर्ड है, इम्पार्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में, क्लास टेंथ में। इट वाज यमा, यह कोई और नहीं था बल्कि कौन था, यम था। यम कौन होता है, मृत्यु का देवता होता है, जो इस धरती से, इस अर्थ से मनुष्य को ले जाता है, दो श्रेणियों बांट देता है, स्वर्ग और नरक में। तो ये कोई और नहीं था बल्कि यम थी, यमराज थे, हैं, द लॉर्ड ऑफ मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो उस समय यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, शरीर धारण किए हुए थे, बट उनकी शरीर दिख नहीं रही थी, है ना। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, इस प्रकार युधिष्ठिरा का टेस्ट लेना चाहते थे, उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर जो है धर्म की पालन करता है, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के रास्ते पर अड़िग हैं, हमें इनका टेस्ट लेना चाहिए। और यम ने आकर देवताओं के कहने से ऐसे क्वेश्चन पूछा था, और वो प्रसन्न हुआ, पुनर्जीवन प्रदान कर दिया उनके भाइयों को। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को उन्होंने आलिंगन किया, इम्प्रेस्ड किया, है ना, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। ठीक बच्चों, ये लेसन आपका फर्स्ट जो होता है कंप्लीट होता है, इंसेंटेड पुल जो था, द इंसेंटेड पुल। एनीवे कोई समस्या नहीं होगी, हमने अच्छे से आपको बताया है। ठीक बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स, शेयर
जरूर करिएगा।